आज वुमेन इंडिया मूवमेंट बीजापुर की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसका मकसद औरतों पर हो रही जुल्म को रोकना है। ये इसी के तहत वुमेन इंडिया मूवमेंट ने 2 महीने का एक नेशनल कैंपेन रखा है। इस कैंपेन के ताल्लुक से आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नीलोफर खान पठान, वाइस प्रेसिडेंट आयशा मुल्ला और यहाँ पर मौजूद तमाम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर्स का वेलकम करती हूँ, और यहाँ पर हमारे बीच मौजूद जो रिपोर्टर्स हैं उन सभी का भी मैं वेलकम करती हूँ। आगे इस कैंपेन के ताल्लुक से बात करने के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नीलोफर खान पठान को इनवाइट करती हूँ। जय भीम। औरत कुदरत का दिया हुआ सबसे बेहतरीन तोहफा है, जिसे एक माँ, बहन, बेटी और बीवी के रूप में दिया गया है। लेकिन आज इस देश में औरतों के साथ क्या हो रहा है? देश में औरतों के साथ जगह जगह जुल्म, नाइंसाफी, दरिंदगी, बेरहमी बढ़ती ही चली जा रही है। हर जगह औरतों को मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, बेरहमी से उनको मार कर काटा जा रहा है, काट कर फ्रिज में उनके टुकड़ों को रखा जा रहा है, औरतों को दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है और बड़ी ही बेरहमी से औरतों को मारा जा रहा है। देश में जगह जगह से डेली हमको न्यूज़ आ रही है कि औरतों को बेरहमी से मारना, कुचलना, दबाना और उनके हक को छीना जा रहा है। यहाँ तक कि औरतों को एसिड डालकर जला रहे हैं। क्या यही औरत की इज्जत है? क्या यही औरत की अहमियत है? दिन ब दिन औरतों के ऊपर जुल्म और नाइंसाफी बढ़ती जा रही है। औरतों को इज्जत से जीने का हक छीना जा रहा है। दरिंदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्यों यह दरिंदगी बढ़ रही है? क्योंकि इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जैसे कि गैंग रेप, सेक्सुअल हरासमेंट, छोटी छोटी बच्चियों के साथ तक रेप हो रहा है, फिर भी इन लोगों के ऊपर कोई भी केस दर्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला नहीं है। और कहीं जगह पर यहाँ तक देखा गया है कि अगर रेपिस्ट अगर अपर कास्ट का है तो उसी के ऊपर पुलिस FIR रजिस्टर नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। जैसे कि कोलकाता से लेकर UP तक, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक, जगह जगह आपको डेली न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि औरतों पर जुल्म और नाइंसाफी बढ़ती जा रही है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि कोलकाता में डॉक्टर मोमिता के साथ गैंगरेप हुआ, उसके साथ बड़ी ही बेरहमी के साथ रेप किया गया, आज भी उसके मुजरिम इस देश में, इस समाज में आसानी से घूम रहे हैं, इज्जत के साथ घूम रहे हैं। और बिल्किस बानू के साथ रेप हुआ, जिस तरह से हाथरस UP में दलित लड़की के साथ रेप हुआ और आसिफा के साथ रेप हुआ, इन सारे विक्टिम्स के मुजरिम आज भी इस देश में आज़ादी से घूम रहे हैं और एक इज्जत के साथ घूम रहे हैं। कैसे हम इनको इज्जत के साथ घूमने के लिए दे सकते हैं, जबकि ये लोग औरतों की इज्जत को लूट रहे हैं, इन औरतों की इज्जत को छीन रहे हैं और हमें हक से जीने का छीन रहे हैं हमसे। और औरतों के साथ जो ये रेप कर रहे हैं, जो ये गुनहगार और ये दरिंदे हैं, इनकी हिम्मत और इनकी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि ये लोग इन लोगों के पास किसी का भी डर नहीं बचा है। ना इनको किसी सज़ा का डर है, ना जेल का डर है, ना गवर्नमेंट का डर है, ना किसी और चीज़ का। अगर ये लोग जेल जाते भी हैं तो कुछ ही समय में ये लोग बाहर आ जाते हैं, वो भी इज्जत के साथ, फूल पहनाकर, मिठाई खिलाकर इन लोगों को बाहर लाया जाता है। तो इन लोगों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों पर कोई भी सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसीलिए इनके हौसले और भी ज़्यादा बुलंद होते जा रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा था कि अगर अकेली औरत रात में आज़ादी से चल सकती है तो यही आज़ादी है। रात में चलने की बात तो दूर रही, लेकिन औरतें दिन में भी महफूज नहीं हैं, दिन में भी आज़ादी के साथ बाहर नहीं निकल सकती। जिंदगी बेखौफ होकर जीने का हक औरत से छीना जा चुका है। दिन ब दिन औरतों से हर एक हक छीन रहे हैं। जिस तरह से स्टूडेंट्स का एक हिजाब पहनना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये राइट भी स्टूडेंट से छीना जा चुका है। जगह जगह देश में हर तरीके से औरतों को जीने का हक छीन रहे हैं। मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, बेरहमी से उनके साथ
रेप किया जा रहा है और उनका कत्ल किया जा रहा है। तो ये सब इन सब चीज़ों को देखते हुए वुमन इंडिया मूवमेंट गवर्नमेंट से ये डिमांड करती है कि जल्द से जल्द कार्रवाई और सख्त से सख्त कार्रवाई इन रेपिस्ट और जो औरतों पर जुल्म और नाइंसाफी कर रहे हैं इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। अगर इन लोगों को अभी नहीं रोका गया तो फिर कभी नहीं रोक सकते, इसलिए जितना हो सके इन पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, स्ट्रिक्ट लॉ इम्प्लीमेंट करने की कानून को बहुत ज़रूरत है। अगर इन दरिंदों को अब रोका नहीं गया तो इस देश को बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो वुमन इंडिया मूवमेंट इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो जुल्म और नाइंसाफी हो रही है इसको रोकने के लिए एक 2 मंथ्स का कैंपेनिंग चलाने का फैसला किया है, क्योंकि औरतों को भी इज्जत से जीने का हक है। ये हक हम छीन कर रहेंगे क्योंकि मांगने से सिर्फ भीख मिलती है, इज्जत नहीं मिलती। तो वुमन इंडिया मूवमेंट 2 मंथ्स का कैंपेनिंग चलाने वाला है, तो कैंपेनिंग में जो कुछ भी रहेगा मैं आपको वन बाय वन बताना चाहूँगी। जो भी एक्टिविटीज रहेंगी वुमन इंडिया मूवमेंट की, फर्स्ट ऑफ ऑल वुमन इंडिया मूवमेंट नेशनल कमेटी ने इस नेशनल कैंपेनिंग को लॉन्च किया है जो कि 2 अक्टूबर से लेकर 2 दिसंबर तक चलेगा और हमारा एक स्लोगन होगा वुमन सेफ्टी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो महिलाओं की सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है, इस नारे के साथ हमारा नेशनल कैंपेनिंग की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। कैंपेनिंग का इनॉग्रेशन नेशनल लेवल पर नेशनल प्रेसिडेंट यास्मीन इस्लाम मैन ने किया है 2 अक्टूबर को एक वीडियो रिलीज के साथ, और जो कैंपेनिंग का स्टेट लेवल इनॉग्रेशन है स्टेट प्रेसिडेंट फातिमा नसीमा मैम ने 3 अक्टूबर को बेंगलोर में किया है विथ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड पोस्टर रिलीज वीडियो अबाउट द कैंपेनिंग। इस कैंपेनिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज की जाएंगी ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे कि पोस्टर पेस्ट करना हो, जहां कहीं भी पब्लिक एरिया हो वहां जाकर हम लोग पोस्टर्स पेस्ट करेंगे, विजिटिंग बाय सोशल वर्कर्स, सोशल वर्कर्स से जाकर मिलना, उनके ख्यालात को अचीव करना, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करना, और विजिटिंग हाई स्कूल एंड कॉलेजेस में जाकर हमारा विजिट होगा, वहां पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स अरेंज किए जाएंगे, और लास्ट में हमारा प्रोटेस्ट होगा, साइलेंट प्रोटेस्ट होगा, स्ट्रीट प्लेज होगा, देन कैंडल मार्च। ये सभी एक्टिविटीज लोगों को अवेयर करने के लिए किए जाएंगे। तो मैं तमाम बीजापुर के लोगों से ये कहना चाहूँगी और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो हमारे 2 मंथ्स का नेशनल कैंपेनिंग स्टार्ट हो चुका है, आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए, इस नेशनल कैंपेनिंग में हमारा साथ दीजिए और इस कैंपेनिंग को सक्सेसफुल बनाइए, बिकॉज वुमन इंडिया मूवमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वुमन इंडिया मूवमेंट हर एक कम्युनिटी के लोगों के लिए काम करता है, सिर्फ एक कम्युनिटी लोगों के लिए काम नहीं करता। तो आप भी हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, इस कैंपेनिंग को सक्सेसफुल बनाइए, हम सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे, गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ ज़रूर पहुँचाएंगे और गवर्नमेंट को हमारी डिमांड मंजूर करना ही होगा। और लास्टली मैं वुमन इंडिया मूवमेंट की तरफ से गवर्नमेंट से डिमांड करती हूँ, तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट लॉज इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। अगर स्ट्रिक्ट लॉ इम्प्लीमेंट होगा तब जाकर ये जो रेपिस्ट हैं, ये क्रिमिनल्स हैं जो औरतों पर जुल्म और नाइंसाफी कर रहे हैं, तभी ये जाकर सब कुछ रुक सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि गवर्नमेंट हमारे इस डिमांड को मंजूर करेगी और हमारे पूरे जो भी हमने डिमांड्स रखे हैं उसे एक्सेप्ट करेगी। मैं बीजापुर के लोगों से भी उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोग इस कैंपेनिंग में हमारा साथ देंगे और इस कैंपेनिंग को सक्सेसफुल बनाएंगे। लास्टली वंस अगेन वुमन इंडिया मूवमेंट डिमांडिंग टू द गवर्नमेंट टेक स्ट्रिक्ट एंड टेक लास्टली वंस अगेन वुमन इंडिया मूवमेंट डिमांडिंग टू द गवर्नमेंट टेक स्ट्रिक्ट and fast action against these criminals, otherwise these things will continue. If these things will continue, then no one can stop our country from getting destroyed. Thank you. ये कैंपेन है, वो हमारा 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। कितने लोग इससे जुड़े हैं, कहां का सर आपने कैंपेनिंग किया? कैंपेनिंग अभी तो 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, ऑल ओवर इंडिया में हमारा ये नेशनल कैंपेनिंग चल रहा है। बीजापुर में अभी शुरुआत यहाँ पर की, आज से ही शुरुआत हो रही है यहाँ पर। हमारा हाई स्कूल में विजिटिंग होगा, सोशल वर्कर से जाकर हमारा विजिट होगा, और हमारा 2 मंथ्स में फुल एक्टिविटीज दिए गए हैं, वो पूरे एक्टिविटीज को हम
सक्सेसफुल करेंगे। अभी तक आपने जो बताया पर अभी अत्याचार हुआ है, तो आपकी तरफ से कोई एफआईआर भी दर्ज की गई है, आपकी तरफ से कोई आवाज उठाई गई है? अलग अलग स्टेट्स में हमारी तरफ से आवाज उठाई भी जा रही है, हमारी तरफ से एफआईआर दिए जा रहे हैं और मेमोरेंडम भी दिए जा रहे हैं, और बीजापुर में भी ऑलरेडी हम बहुत बार दे चुके हैं। एफआईआर आई थिंक एफआईआर नहीं की है, मेमोरेंडम दिया गया था। जब प्रज्वल देवन्ना का जब केस हुआ था उस वक्त मेमोरेंडम दिया गया था, लेकिन अदर स्टेट्स में एफआईआर वगैरह सब फाइल की जा रही है। जितना हो सके उतना 100% वुमन इंडिया मूवमेंट के लेडीज इसमें काम कर रहे हैं। जी कैंपेनिंग आज से 2 अक्टूबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से आज यहाँ बीजापुर में आज स्टार्ट हुआ है। बीजापुर में तकरीबन कम से कम 110 लेडीज हमारे साथ में हैं। अभी कैंपेन के जरिए क्या मैसेज देना चाहते? कैंपेन के जरिए हम लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जुल्म और नाइंसाफी औरतों पर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग खामोश हैं। अगर ऐसे ही हम लोग खामोश रहेंगे तो ये जो रेपिस्ट हैं इनके हौसले और भी ज़्यादा बुलंद होते चले जाएंगे। तो इसीलिए सब लोग इस कैंपेनिंग के साथ जुड़कर हमारे साथ इस कैंपेनिंग को सक्सेसफुल बनाएं और इस कैंपेनिंग में हमारा पूरी तरीके से साथ दें। हाई स्कूल एंड कॉलेजेस में जाकर विजिट करना, सोशल वर्कर से मिलना, हाई स्कूल और कॉलेजेस में विजिट करने, वहाँ पर जाकर अवेयरनेस फैलाते हैं हम लोग। तो ये खामोश बैठने से ऐसे ही चलता रहेगा ये सारे केसेस। जब तक हम लोग खुद आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट को कोई भी स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर्स नहीं है गवर्नमेंट के पास में। तो इसीलिए सामने वाले जो रेपिस्ट और जो क्रिमिनल्स हैं उनके हौसले और भी ज़्यादा बुलंद होते जा रहे हैं। ये कैंपेन का मकसद क्या है? लोगों के बीच में जब अवेयरनेस होगी तो लोग भी अपने घरों से निकलकर इसके खिलाफ ये करेंगे, तो कम से कम गवर्नमेंट को पता चलेगा कि हाँ पब्लिक सोई हुई नहीं है, पब्लिक भी हमारे खिलाफ बात कर सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं इसके जरिए पब्लिक के अंदर, लोगों के अंदर हिम्मत हो और वो जब अपने सामने ये सब चीज़ें देखे तो उसके खिलाफ बात करना सीखे, और उसके खिलाफ नहीं हुआ तो कम से कम उनको मालूम है पड़ता है कि वुमेन इंडिया मूवमेंट करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इसके खिलाफ बात करती, तो वो हम तक रीच हो, ताकि हम क्या है जो भी हो सके हमसे गवर्नमेंट के तरफ लीगल तौर पर हम गवर्नमेंट को इसके बारे में मेमोरेंडम वगैरह दे, या हो सकता है आगे चलकर एफआईआर भी हम दर्ज करा सकते हैं ऐसे केसों के बारे में। इसलिए हम लोगों के बीच में जाकर हमारी पार्टी के जरिए से ये चीजें हैंडल करना और सॉल्व करना, ये हमारा मकसद है। बहुत बार इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए, डीसी सर तक हम जाकर बात करें, लेकिन इस चीज को लाइटली लिया जा रहा, कुछ नहीं कर रहा। हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट पूरी अपोजिट इसमें है, हम जाकर पूरी तरह से उनको हमारी बात मानो करके फोर्स भी नहीं कर सकते और वो हमारी बात नहीं मानती, लेकिन लीगल तौर पर हम जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे तो उनके ऊपर एक प्रेशर बढ़ना जाएगा, जिसकी वजह से वो लोग क्या इसके बारे में कुछ एक छोटा सा तो स्टेप ले सकते हैं, ये हमारी कोशिश है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ट्विटर पर, पूरी दुनिया पर ट्विटर के इस पर जो भी भेजते हैं तो पूरी दुनिया में देखा जाता है, जिसके बाद ये हाँ इसके बारे में हमारी राय क्या है कि ये अगर स्ट्रिक्ट कोई कानून होता इसके खिलाफ, गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली एक्शन लेके जल्द से जल्द मुजरिम को पकड़ कर उसको सजा देती तो ये दूसरी बार नहीं होता। ये हमारी गवर्नमेंट हर तरह से फेल हो रही इस चीज में। तो वही हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कानून इम्प्लीमेंट करने की बहुत जरूरत है, नहीं तो ये रेपिस्ट को और भी ज्यादा ये बुलंद होते चले जाएंगे, इनके कॉन्फिडेंस लेवल। अब ये 2 महीने का जो कैंपेन है, ये कैंपेन एक ही जगह नहीं हो रहा, पूरे इंडिया में दिल्ली, मुंबई, मैसूर, बेंगलोर, हर स्टेट में एक कैंपेन हो रहा। तो इतने जगह से जब पब्लिक जमा होकर इसके खिलाफ आवाज उठाएगी तो मैं सोचती हूँ कि गवर्नमेंट कुछ इसके बारे में सोचेगी, इसलिए हर तरह से ये कर।
लास्ट प्रोटेस्ट भी है तो हमारे इसमें एक प्रोटेस्ट है और ड्रामा जो प्लेट करते हैं वैसे ड्रामास रखने वाले हैं, कैंडल लाइट मार्च रखने वाले हैं। वही जो एक्टिविटी है जो ही 2 मंथ्स में जो बहुत सारे एक्टिविटीज दिए गए हैं, इसीलिए मंथ ये कैंपेनिंग जो है 2 मंथ्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो बहुत सारे एक्टिविटीज जैसे कि कैंडल मार्च करना हो, प्रोटेस्ट करना हो, साइलेंट प्रोटेस्ट करना हो, और देन स्ट्रीट ड्रामाज, स्ट्रीट प्लेज होगा, और कॉलेज जाकर, हाई स्कूल एंड कॉलेज जाकर वहाँ पर लड़कियों को अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग अरेंज करेंगे कि ऐसे मैटर्स में किस तरह से लड़कियों को हैंडल करना है, और सोशल वर्कर से जाकर हम लोग विजिट करेंगे, उनके ख्यालात को हम लोग अचीव करेंगे, और घर घर जाकर हम लोग पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वहाँ पर अवेयरनेस फैलाएंगे हम लोग। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ेगा, और गवर्नमेंट से भी बहुत सारी हमारी डिमांडें हैं कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कानून बनाने की सख्त ज़रूरत है, और जल्द से जल्द कानून बनाने की ज़रूरत है, तब जाकर ये सब कुछ रुक सकता है। ये कानून, सख्त कानून नहीं रहने की वजह से ही इन लोगों के हौसले ज़्यादा बुलंद होते चले जा रहे हैं। थोड़े बहुत एनजीओ से तो हम लोग मिले हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हम लोग को सपोर्ट भी कर रहे हैं। और नए न्यूज़ों के लिए देखते रहिए अपना चैनल TV22 News। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।